गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब देखिए थोड़ा सा लिंक इससे संबंधित हो गया। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, इसके 26 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, विद्वेश्वर संहिता, वो कहता मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप, ये 24 पृष्ठ से शुरू होता। तो इनके युद्ध को समाप्त करने के लिए इस काल ब्रह्म ने जो एक अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता, इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर लिंग, इसको बाद में शिवलिंग कहने लग गए। फिर ये युद्ध करके खड़े हो गए, फिर वो खुद आकर प्रकट हो गया शिव रूप में, यानी सदा शिव रूप में। जब ब्रह्मा विष्णु को मिला तो शिव रूप में प्रकट हो जाता है, ये ऐसे लीला करता है। अब 25 नंबर पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा लिंक है इसका, गीता प्रेस गोरखपुर से है, विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। शिव भगवान शिव बोले, ये काल प्रकट हो गया ब्रह्म शिव रूप में इनको धोखा देने के लिए। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। सुनो, आगे बताती हूँ। ये 26 पृष्ठ है। ब्रह्मा और विष्णु को कहता है ये काल ब्रह्म, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से। अब परमात्मा कहते हैं ये ज्योत स्वरूपी कह निरंजन मैं ही करता भाई, ये अपने आप परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर। मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति रूप स्वरूप यानी मेरे जैसी सकल के रुद्र और महेश्वर ने दो अन्य उत्तम कृत सहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता। आगे देखो, ऐसे सिद्ध हो गया कि यहाँ ये पुराण का वक्ता जो है, पुराण जो बोलने वाला है, ये ब्रह्मा विष्णु से और रुद्र और महेश से न्यारा है, ये ब्रह्म है, ये काल है। यहाँ देखिए ये क्या कहता है, इसी पृष्ठ हम 26 पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता। ये देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ जो मेरे रूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर श्रवण करने से मेरा ही श्रवण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये 5 है, एक तो पश्चिम वाले मुखते हैं, एक तो उत्तर वाले मुक्त हैं, एक पश्चिम काले मुक्त हैं, 2, 3 और 4 और 5वां बिंदु, ये मध्य तथा उत्तर वाले मुख से बिंदु और ये 5वां ये नाद। तो इस प्रकार ये 5 हो गए, एक उकार, मकार और आकार, आकार मकार उकार और मकार और बिंदु और नाद, ये 5 हो गए। इस प्रकार 5 अयों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अयों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया और ये मेरा मंत्र है। ये कहता ये मेरा मंत्र है ओम एक अक्षर, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, ये काल ब्रह्म बोल रहा है शिव रूप में खड़ा होकर के।
इन्होंने ये नीचे लिखा है कि ओम नमः शिवाय, ये पांच अक्षर का मंत्र है, ये गलत लिखा है, मूल संस्कृत में कहीं नहीं है। अब हमने ये देखना कि ये जो ओंकार नाम जिसका ओम मंत्र है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, ये कृष्ण के अंदर प्रवेश करके श्री कृष्ण में बोल रहा है गीता जी को, ये यहां भी ये कह रहा मेरा ओम मंत्र है। अब इससे ये स्पष्ट हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये काल बोल रहा है और श्री कृष्ण में प्रवेश होकर बोल रहा है, और ये कह रहा है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, एक अक्षर है, नथिंग एल्स। तो इस प्रकार जो अन्य साधनाएं बताते हैं इस मंत्र को छोड़ के, कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बुझ शब्द ठिकाने नु, गीता और भागवत पढ़े, गीता में कहीं लिखा हरे कृष्ण 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 हरे राम लिख रखा कहीं, फिर गीता जी को पढ़ किस लिए रहे हो और लोक वेद को आधार बनाए हुए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। हमने अपने पुण्य सदग्रंथों को पुनः संभालना पड़ेगा। ये गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, ना गति होती है, और ना उनको कोई सिद्धि यानी प्राप्त होती, क्योंकि सिद्धि हमें सतलोक लेके जाएगी, हमने उसको दुरुपयोग नहीं करना, तो उसको कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, उसका कार्य जो उद्देश्य लेकर आया है वो सिद्ध नहीं हो पाता। और 24वें श्लोक में कहा इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो सदग्रंथों में लिखा वही मानना, आज पुण्यात्मा जो हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं हमने इस अनुसार साधना करनी पड़ेगी। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।